नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा तिवारी अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी बैचलर और रेमेडीज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए थर्ड मेडिसिन बीच डिस्कस करूँगी। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले ही दे चुका है। इन शॉर्ट, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो फूलों के द्वारा बनाई जाती है। तो इससे पहले कि मैं अपनी इस बीच मेडिसिन को शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। तो होम्योपैथिक रेमेडी बीच, ये क्या होती है और इसके पेशेंट कैसे होते हैं? बीच रेमेडी के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, सुयोग होते हैं, बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और अनुशासन के बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। इन शॉर्ट, हम उन्हें एक फौजी से कंपेयर कर सकते हैं जिसकी लाइफ में हर एक चीज़ बहुत रूटीन होती है, बहुत वेल बिहेव होती है। इनको अस्वच्छता, अव्यवस्था, कोई भी चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि इन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, बट इस लेवल तक परफेक्ट चाहिए होती है कि अपने खुद के काम का तक तो ठीक है, बट इनके जो फ्रेंड्स हैं या इनके अधीन या इनके जूनियर्स जो इनके साथ काम कर रहे होते हैं, उनसे भी ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो भी मेरी तरह ही काम करें, जो कि इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो इनके जूनियर्स होते हैं, अगर इनसे कोई गलती हो जाए या इनके फैमिली मेम्बर से कोई गलती हो जाए जिसका कोई वैलिड रीज़न भी होता है, जैसे कि किसी ऑफिस में किसी वर्कर को इन्होंने कोई काम दिया और उसके घर में कोई शादी आ जाए या किसी की डेथ हो जाए या बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए या वो खुद बीमार हो जाए और इसकी वजह से अगर वो अपने टास्क को कम्प्लीट नहीं कर पाता है, तो उस वैलिड रीज़न को भी ये नहीं मानते हुए इतना गुस्सा हो जाते, इतना क्रोधित हो जाते कि किसी की भी गलती, छोटी छोटी चीज़ इनसे बियर नहीं होती है। तो इस तरीके के पेशेंट जो होते हैं, अपनी इस अति लेवल तक परफेक्शन के कारण हमेशा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि हमेशा इतना सब पॉसिबल नहीं होता है कि हर इंसान अपनी लाइफ में हर चीज़ को परफेक्ट दे। तो इसके चलते ना ही इनके कोई अच्छे दोस्त होते हैं, ना ही इनके जूनियर्स इन्हें पसंद करते हैं। जूनियर्स दोस्त तो बहुत दूर की बात है, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके रिलेटिव्स तक भी इनके साथ को पसंद नहीं करते हैं। हर एक इंसान इनसे दूर भागना चाहता है और इनकी परिस्थिति में कोई भी इंसान अपने आप को सहज महसूस नहीं करता है। इस तरीके के पेशेंट जो होते हैं, इनकी लाइफ में ना ही कोई व्यंग होता है, ना हास होता है, ना मजाक होता है, ना नृत्य होता है, ना संगीत होता है, ना किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट इनकी लाइफ में नहीं होता है और ना इस तरीके की चीज़ों को ये पसंद भी नहीं करते। चलिए ठीक है, इंसान से एक एक्सपेक्टेशन रखना कि वो हर चीज़ टाइम से करे तो ठीक है, बट इवन अगर नेचर की भी कोई चीज़ अपने परफेक्शन से अलग होती है, जैसे कि बिन मौसम बारिश हो जाती है या बहुत ये अपने घर से निकल रहे होते हैं और बारिश होने लगे तो इन्हें नेचर पे भी गुस्सा आ जाता है, और जैसे कि ये कोई काम कर रहे हो, लाइट चली जाए या नेचर अगेंस्ट, मतलब जनरली जो चीज़ कभी भी हो सकती है नेचर के अगेंस्ट, कभी बहुत तेज हवा चलने लगे, यही तक भी इनको बियर नहीं होती। इन्हें लगता है हर चीज़ टाइम टू टाइम होनी चाहिए। इसी के चलते ये हमेशा, इनकी भ्रुकुटी या भुएँ हमेशा तनी रहती है, चिड़चिड़े रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं। और यही सीरीज़ के चलते अगर यही प्रॉब्लम इनके अंदर, ये टॉप टू द मोस्ट परफेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने के कारण इनके अंदर जो परेशानियाँ डेवलप हो सकती है वो इस तरीके की रहती है। इनको इनसोम्निया हो सकता है, नींद ना आने की बीमारी, सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन, मेंटल डिप्रेशन, मेले स्किन डिसीजेज हो सकती है, ऐसी स्किन डिसीज जिसमें खुजलाहट बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसी सारी मेडिसिन, ऐसे सारे सिम्टम्स को बैचलर रेमेडीज़ बीच, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत अच्छे से ठीक कर सकती है। इस मेडिसिन को देने के बाद ये जो पेशेंट रहते हैं, कुछ थोड़ा सहज होना शुरू कर देते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना शुरू कर देते हैं और अपने परफेक्शन से थोड़ा सा नीचे आकर लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, होम्योपैथी अपनाएं, रोगों को दूर करें।